इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बुरहानपुर किसी जन्नत से कम नहीं। असीरगढ़ के दुर्गम किले से लेकर काले पत्थरों से बना खूबसूरत काला ताजमहल, मुमताज महल के मकबरे से लेकर पवित्र दरगाहे हकीमी, बुरहानपुर सुंदर ऐतिहासिक स्मारकों से भरा है। उन्हीं में से एक है ये खूबसूरत मोती महल। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं बुरहानपुर के बेहद खूबसूरत मोती महल में। असीरगढ़ किले से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये महल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेमिका बेगम मोती के लिए बनवाया था। कहते हैं कि मोती बेगम बेहद खूबसूरत थी। हालांकि हर शासक ने अपने काल में कई स्मारक बनाए, पर वास्तुकला के इतिहास में शाहजहां का एक अलग ही स्थान है। बुरहानपुर में पढ़ारी नदी के पास अपनी प्रेमिका मोती बेगम के लिए शाहजहां ने ये 2 मंजिला महल बनवाया था। महल में प्रवेश द्वारों के साथ कई कमरों का निर्माण किया गया है, जिनके बीच में एक बड़ा आंगन है। यहां नीचे की मंजिल पत्थर की बनी है और दूसरी मंजिल ईंट और चूने से बनाई गई है। महल में कई मेहराब हैं और इसका ऊपरी हिस्सा गुंबदाकार है, जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। गुंबद पर उल्टे कमल के फूल भी उकेरे गए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। प्रेम की दास्तान कहते इस महल का निचला स्तर पत्थर का बना हुआ है और दूसरी मंजिल ईंट और चूने से बनी हुई है। और जो सबसे खास बात है इस महल की, वो ये कि पूरे महल में ढेर सारे आर्चेस और आले बने हुए हैं। यूं लगता है कि शाम होते ही जब इन आलों में शमाएं और दिए रोशन किए जाते होंगे तो पूरा महल जगमगा उठता होगा। महल की दूसरी मंजिल पर उत्तर और दक्षिण में 2 छज्जे भी हैं। मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है मोती महल। महल के इस हिस्से से असीरगढ़ का किला साफ दिखाई देता है। बताते हैं कि बेगम मोती यहीं बैठकर अपने प्रेमी शाहजहां का घंटों इंतजार किया करती थी। महल के आसपास दूर तक सिर्फ मैदान है, पर आबादी से दूर इस अकेले खड़े महल में आकर आप एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। बुरहानपुर की खास बात यह है कि
बल्कि यूं लगता है कि मानो यहाँ चप्पे चप्पे पर स्मारक बिखरे पड़े हों। ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्मारक अपनी कला और अपने शिल्प से अपनी दास्तानें खुद कहते नजर आते हैं। अगर आप भी इन स्मारकों की अनकही दास्तानों को सुनना चाहें तो बुरहानपुर जरूर आइएगा।